आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन मशहूर अदाकारों की जो असल जिंदगी में मुसलमान हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री इंडिया की वो वाहद इंडस्ट्री है जिसकी वजह से इंडिया को पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये कहना सरासर गलत नहीं होगा कि इंडिया की बढ़ती हुई मकबूलियत का राज बॉलीवुड इंडस्ट्री है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज के बारे में जो असल जिंदगी में मुसलमान हैं, लेकिन यकीनन आप इससे बेखबर होंगे। सलमान खान, आप लोगों में से शायद कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो सलमान खान को नहीं जानता होगा। सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिसे ना सिर्फ इंडिया में और पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इनके वालिद का नाम सलीम खान है जो कि एक मुसलमान है, जबकि इनकी वालिदा का नाम सुशीला चार्क है जो कि एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं। ताहम सलमान खान ने बचपन से ही अपने वालिद के मजहब यानी इस्लाम को फॉलो किया है और वो आज भी एक मुसलमान है। अली फजल बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक उभरते हुए सितारों में से एक है। अली फजल भी असल जिंदगी में एक मुसलमान है। इनके वालिद का नाम मोहम्मद रफीक जबकि वालिदा का नाम उज़्मा है। अली फजल के वालिद और वालिदा दोनों ही मुसलमान हैं। अली फजल ने हालिया दिनों में ही एक हिंदू लड़की से शादी की है, लेकिन अली फजल इस्लाम मजहब को फॉलो करते हैं। इरफान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऐसा नाम थे जिन्हें इनके फैंस आज तक अपने दिल से नहीं निकाल सके। इरफान खान जब तक जिंदा रहे इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया। इरफान खान की वालिदा का नाम सईदा बेगम खान, इनके वालिद का नाम यासीन अली खान था और ये दोनों ही मुसलमान थे। इमरान हाशमी, अगर आप बॉलीवुड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यकीनन आपने इमरान हाशमी को किसी न किसी फिल्म में तो जरूर देखा होगा। इन्हें आप लोगों ने एक्शन फिल्म में तो नहीं लेकिन रोमांटिक मूवीज में जरूर देखा होगा। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इमरान हाशमी ना सिर्फ मुसलमान है बल्कि एक हाफिज़े कुरान भी हैं। इनके वालिद एक मुसलमान जबकि वालिदा एक ईसाई हैं। इमरान हाशमी के मुताबिक वो आज भी दीन इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं या फिर आपने इनकी कोई भी फिल्म देखी है तो यकीनन आप इनकी अदाकारी से मुतासिर जरूर होंगे। फिल्म में इनका रोल कोई भी हो, चाहे वो हीरो का हो या विलन का, इनकी एक्टिंग को देखकर हर कोई दाद देने पर मजबूर हो जाता है। इनका ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से है और ये खुद भी एक मुसलमान है। शाहरुख खान, अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं या फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो शाहरुख खान को नहीं जानता होगा। इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में किंग खान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक्टिंग की वजह से इन्हें बॉलीवुड का किंग और बॉलीवुड का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। शाहरुख खान के वालिद और शाहरुख खान की वालिदा दोनों ही मुसलमान थी और शाहरुख खान भी बचपन से लेकर अब तक इस्लाम मजहब को ही फॉलो करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुस्लिम एक्टर्स के बेताज बादशाहों में शाहरुख खान के बाद सलमान खान और सलमान खान के बाद आमिर खान का नाम आता है। अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने आमिर खान की कोई फिल्म ना देखी हो। इनकी मशहूर फिल्मों में पीके और थ्री इडियट्स भी शामिल हैं जो यकीनन आप लोगों ने जरूर देखी होंगी। इनके वालिद का नाम ताहिर हुसैन जबकि वालिदा का नाम जीनत हुसैन है। आमिर खान के वालिद और वालिदा दोनों ही मुसलमान थे, लेकिन आमिर खान के बच्चे दीन इस्लाम को फॉलो नहीं करते। सैफ अली खान भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अदाकारों में से एक अदाकार हैं। इनकी वालिदा का नाम शर्मिला टैगोर है जबकि इनके वालिद का नाम मंसूर अली खान है। वैसे तो सैफ अली खान आज भी दीन इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी जाहिरी जिंदगी में हमें दीन इस्लाम कहीं भी देखने को नहीं मिलता। साकिब सलीम बॉलीवुड इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारों में से एक हैं, जो हर गुजरते हुए दिन के साथ शोहरत की बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। साकिब सलीम के वालिद का नाम सलीम कुरैशी है और इनकी वालिदा का नाम आमना कुरैशी है। इनका ताल्लुक दीन इस्लाम से है और साकिब सलीम खुद भी एक मुसलमान है।
दुलकर सलमान। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार दुलकर सलमान अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपने कदम जमा रहे हैं। ताहम दुलकर सलमान का खानदान और ये खुद भी मुसलमान है और दीन इस्लाम को ही फॉलो करते हैं।